इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जिसको अब तक कोई भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया है और जिस पर ना जाने कैसे कैसे मिस्टीरियस एंड अननोन चीज़ें छिपी हुई हैं जो जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी डार्क वेब स्टोरी के बारे में कि मैंने उस डार्क वेब पर क्या देखा और मेरा रिएक्शन क्या था जब मैंने पहली बार डार्क वेब पर ऐसी चीज़ें देखी जो आई थिंक मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। जिसके बाद कुछ टाइम तक के लिए मैंने मतलब डीप वेब और डार्क वेब सर छोड़ दिया था। तो चलिए चलते हैं आगे और बताता हूँ मैं आपको वीडियो में आगे कि ऐसा मैंने क्या देखा जो मुझे नहीं दिखना चाहिए था और आपको भी डार्क वेब पर या डीप वेब सर्फ करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या सच में ये सेफ है या नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था और उसी टाइम मैंने डीप वेब और डार्क वेब के बारे में इंटरनेट से पढ़ा और कुछ ब्लॉग्स मैंने पढ़े कि डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं डीप वेब और डार्क वेब के बारे में आपको बताया है। तो जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है टेल्स ओएस जो कि आप पेन ड्राइव में उसको इंस्टॉल करके डीप वेब एंड डार्क वेब उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही मैं एक दिन फिर मैंने उस टेल्स ओएस के थ्रू उसमें मैंने सबसे पहले टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद मैंने एक VPN था आई थिंक शायद नॉर्ड VPN था उसके, वो VPN भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो VPN इंस्टॉल करने के बाद फिर जब मैंने उसकी कुछ लिंक्स खोजनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल से मतलब 20 से 25 मिनट तक मैं अलग अलग लिंक्स पर गया, लेकिन वो सब जो लिंक्स थी वो डेड थी क्योंकि डीप वेब जो होता है वो नॉर्मल सरफेस वेब की तरह नहीं होता है। वहाँ जरूर नहीं कि जिस लिंक पर आप क्लिक करें हो या जिस वेबसाइट पर आप जाएँ वो हमेशा चलती रहे, कई बार वो डेड भी हो जाती है। तो ऐसे ही मैं सर्फ करता गया और अलग अलग लिंक्स पर जाने के बाद एक लिंक मुझे दिखी जहाँ पर कुछ आई थिंक इलीगल ड्रग्स थे, वो हीरोइन कोकीन एंड वहाँ पे अफीम भी बिक रहा था और चरस वगैरह भी लोग बेच रहे थे, ड्रग्स लोग बेच रहे थे, इलीगल वेपन, फेक पासपोर्ट, फेक वीजास। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वहाँ पर इंडिया के लोगों के आधार कार्ड की डिटेल्स भी मौजूद थी जो कि बहुत मतलब मेरे को थोड़े अजीब लगे कि हमारी जो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हमारा बायोमेट्रिक डाटा आधार कार्ड में होता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर किसी हैकर के हाथ में लग जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर लग गए होंगे क्योंकि लोग वहाँ पैसों में उस डाटा को बेच रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग अपने एंड्रॉयड में, iOS में या फिर अपने लैपटॉप में सेफ रखते हैं वो वाकई में सेफ है। तो आधार कार्ड लोगों के देखकर तो मैं चौंक गया था कि ये मतलब ठीक नहीं है, लोगों के बैंक डिटेल्स, डेड लोगों के वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट्स एंड लोगों के एड्रेस वहाँ पर मतलब मौजूद थे। उसके बाद मतलब ये सब तो मैं देख ही रहा था उसमें, और लीगल जो मतलब वेपन्स थे जैसे कि पिस्टल, राइफल एंड उनके जो क्या बोलते हैं बुलेट्स भी मतलब इलीगल तरीके से आप इसको इम्पोर्ट करवा सकते थे, उस पर अलग अलग टाइप की जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन्स होते हैं वो भी वहाँ पर मिल रही थी। वहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रग्स भी थे जो कि मतलब आपने कभी सुने नहीं होंगे, जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जो मतलब जो भी नए नए मार्केट में आए जैसे किसी ने ट्राई नहीं किया आप उनको भी खरीद सकते हैं। वहाँ पर ऐसी मेडिसिन है जो कि मतलब बैंड हैं, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने उन सबको बैन कर रखा है क्योंकि लोग उनको एज ए ड्रग्स यूज करते थे, तो वो भी वहाँ पर मिल रही थी। तो ये सब तो फिर भी ठीक था। फिर मैंने मतलब एक और उसके नीचे लिंक थी, मैं वहाँ गया, वहाँ क्लिक करने के बाद एक मतलब वेबसाइट ओपन हुई जिस पर एक डॉल होती है ना, जो सौ मूवी आपने देखी होगी, सौ मूवी में जो डॉल होती है तो उसी टाइप का उसका मतलब उसका चेहरा बना हुआ था। मुझे लगा शायद कोई हैकर वगैरह की वेबसाइट है। फिर मैंने नीचे एक मतलब बॉटम साइड में एक लिंक थी, मैंने वहाँ क्लिक किया तो एक नए वेब उसके वेब पेज पर गया, तो वहाँ मैंने देखा वहाँ पर मतलब आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मतलब वीडियोस थे। तो जैसे ही मैंने देखा मैं तुरंत वहाँ से बैक हुआ, मुझे लगा ये सब ठीक नहीं है क्योंकि और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ये सब मतलब
अगर आप देखते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो जैसे ही मैं बैक हुआ उसके बाद मन तो मेरा नहीं कर रहा था कि आगे एक्सप्लोर करूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर आज इसको सर्व कर रहा हूँ ये शायद मेरा लास्ट टाइम, इसके बाद मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं एक और लिंक पर गया जहाँ पर जो जैसे पुराने टाइम में जो जो किंग्स होते थे जो मतलब कैदियों को या अपने दुश्मनों को जो जिस टाइप से सजा देते, मतलब उनको पनिश करते थे, सजा देते थे, जैसे कि उनको ऐसा बांध के मतलब एक जगह उनको बांध के नीचे से आग लगा देना, या इस टाइप की रियल वीडियोज थी वहाँ पर लोगों को ऐसे टॉर्चर किया गया था। और एक मतलब ऐसे ऐसे फोटोज भी थे जिसमें मतलब किसी इंसान के मतलब एनल पार्ट से मतलब वो मतलब लकड़ी या रोड को डाल के उसके मतलब मुंह से निकाला गया था, लोगों के मतलब जो था स्टोमक एरिया इसको मतलब ऐसा फाड़ के और उसके जो ऑर्गन्स थे वो बाहर साइड में पड़े हुए थे, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए थे, किसी की आंखें निकली हुई, इस टाइप की मतलब जो फोटोज थे वो मुझे लगी। और मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वाकई में उसको देख के मतलब थोड़ा डर लग रहा था मुझे कि क्या मैं देख रहा हूँ। और कुछ कंट्रीज की मतलब जो सीक्रेट जो मतलब लोकेशंस थी उसके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। तो डार्क वेब और डीप वेब पर इस टाइप की मतलब आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि वो लोकेशन रियल है या फेक है या कोई मतलब प्रैंक मतलब या ऐसे ही मतलब मजाक के लिए डाल दिया है, लेकिन ये सब मैंने वहाँ देखा था, ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ।